मिस्टर तपत विश्वास कर रहे सुब्रमण्यम स्वामी ऑन पॉडकास्ट लास्ट संडे, अडानी ने चीन से खूब कर्ज लिया इसलिए पीएम कहते हैं ना कोई आया ना कोई गया। चीन का भी इनके शेयर में, आप ये बात आप अगर देखोगे तपत विश्वास जी, तो मैं आज से नहीं कई सालों से कह रहा हूं कि भारत में चीन का निवेश इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा एफडी निवेश मोदी सरकार के दौरान है, नेहरू टू मोदी, सबसे ज्यादा चीनी निवेश भारत में, नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा एफडीआई, सबसे ज्यादा चीनी निवेश भारत में मोदी सरकार के दौरान ही आया है। और ये बात सच है कि आपको अक्षय जी ने अपनी बताया था कि देपसांग में हम अपनी जमीन खो चुके हैं, ये आरोप है और रिपोर्ट है कि खो चुके हैं, और चीन 59 के पोजीशन को हासिल कर चुका है। और इधर लेह में भी, लेह के एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो प्रधानमंत्री एनएसए और गृह मंत्रालय के मंत्री के समक्ष दिए गए पढ़े गए उस पे, वो जो है डीजीपी के सारे जो कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए, उसके मुताबिक हम लेह में भी अपने कई पोस्टों को खो चुके हैं चीन में। ये सरकार की एजेंसी बता रही है, सरकार का, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है लेह लद्दाख, लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश यानी केंद्र की पुलिस, केंद्र द्वारा शासित यानी वो गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है, उसके एसपी ने ये रिपोर्ट दिया, यानी ये सरकार की ऑथेंटिक ऑफिशियल रिपोर्ट है कि हम लेह में कई पॉइंट 22 चले कितने सारे पॉइंट पे हमारी पेट्रोलिंग अब नहीं होती, वहां चीन पहुंच चुका है, ये सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो नेहरू के बाद सबसे ज्यादा चीन ने जो भारत की जमीन कब्जा की वो नेहरू के समय की अक्साई चीन, वो पूरा पोर्शन 62 के युद्ध में। उसके बाद चीन को जो मान्यता दिया किसने दिया आपको बता देता हूं, तिब्बत पर चीन का जो हमला हुआ उसको पहला मान्यता देने वाला नेहरू था तिब्बत पर। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो चीन गए राजीव गांधी थे, और तिब्बत पर चीन को मान्यता देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और तीसरी बात कि चीन नेहरू के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन कब्जा कर चुका है भारत का, 59 पोजीशन 1959 के पोजीशन में पहुंच चुका है वो मोदी सरकार के दौरान, और सबसे ज्यादा चीन का निवेश जिस सरकार के अधीन आया है वो मोदी सरकार के दौरान। ये आपको फैक्ट दिए ना, इसमें कोई मैं नरेशन नहीं दे रहा हूं। और ये इंडिया लूज एक्सेस टू 26-65 पीपीएस इन ईस्टर्न लद्दाख, नाम देख लो जरा, ले के जो एसपी का नाम है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं अगर सरकार जब तक कुछ बयान नहीं देती या सरकार एजेंसी नहीं तो नहीं बताऊंगा चीन पे, ये सरकार का ऑफिशियल बयान है पीएलएसी पे, चीन से हम बहुत बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। ये आपको सरकार नेहरू का भी सच्चाई आ ही गया ना 10 साल इंदिरा गांधी के बाद या उसके बाद से, ये सरकार का भी आ जाएगा कि हम चीन का से बहुत बड़ा हिस्सा अपना खो चुके हैं, और सबसे ज्यादा निवेश भी चीन का मोदी सरकार के दौरान ही आया है झूला झूलाने के समय, ये भी एक सच है, ये फैक्ट है, आप जाके पता कर लो। ये है एसपी लेब पीडी नित्या, आईपीएस ऑफिसर हैज क्लेम्ड दैट इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट, यानी 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट खो चुके हैं। दैट वाज अर्लियर रेगुलरली पेट्रोलिंग बाय द ट्रूप इन ईस्टर्न लद्दाख, द रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, ये रिपोर्ट एक रिसर्च पेपर के रूप में था, बाय द एसपी लेह वाज सबमिटेड इन जस्ट कंक्लूड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी, डीजीपी के जो सारे राज्यों के डीजीपी होते हैं उनके एनुअल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कंक्लूड किया, एंड आईजी और डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में ये हेल्ड इन न्यू दिल्ली में फ्रॉम जनवरी 20-22 जनवरी 2023 में ये पेश किया गया, एंड अटेंडेड अमंग अदर्स बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इनके सामने ये रिपोर्ट पेश किया गया। आपको मास्टर स्ट्रोकवादी झूठ बोल रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को रिपोर्ट दिया गया है, सामने पेश किया गया है। प्रेजेंटली देयर आर 65 पीपी स्टार्टिंग फ्रॉम कोराकोरम पास टू चेंबूर विच आर टू बी पेट्रोल रेगुलरली बाय द सिक्योरिटी फोर्स, आउट ऑफ 65 आवर प्रेजेंस इज
लॉस्ट इन 26 पोस्ट, यानी 26 पोस्ट हमारे जा चुके, अब हम उस पर पेट्रोलिंग नहीं करते, पहले हम पेट्रोलिंग करते थे अब नहीं करते। और इसमें पीपी नंबर 5 से 17, 24, 5 से 17 और 24 से 32, ये पेट्रोलिंग नंबर भी दिया गया कि किस किस पोस्ट पे अब हम पेट्रोलिंग नहीं करते, अब वो चीन के पास, चीन के हिस्से में है, यानी चीन ने कब्जा कर रखा है एक तरह से, हम नहीं कर पा रहे यानी चीन के ही पास है। और लेकिन आपको जो बताया जा रहा, नहीं नहीं तो नक्शा में तो हम पीओके को आज भी दिखाते हैं, तो नक्शा में हम दिखा रहे हैं पर कब्जा चीन का है, ये बात आपको मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे देखो हमारे में है तो पीओके तो हम आज भी दावा करते हैं पर है उनके पास, वही पोजीशन अभी आपको बताएंगे। ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव और नो पेट्रोलिंग बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज द रिसर्च पेपर सेड लेटर चाइना फोर्स्ड अस टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सच एक्सेस हैव नॉट सीन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ऑफ सिविलियन सिंस लॉन्ग। और आज हमें मजबूर कर रही है चाइनीज फोर्स कि इसे कबूल करो क्योंकि यहाँ तुम्हारे और आगे जाके ये और मजबूर करेगी कि तुम्हारे तो यहाँ बहुत दिनों से पेट्रोलिंग नहीं हुई, तुम्हारे तो यहाँ कोई नागरिक नहीं है, तुम्हारे तो यहाँ कोई गांव नहीं है, ये चीजें हो जाएगी। तो ये द लीड टू शिफ्ट इन द बॉर्डर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्स टुवर्ड द इंडियन साइड एंड टू बफर जोन इज क्रिएटेड इन ऑल सच पॉकेट विच अल्टीमेटली लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर दिज एक्सेस बाय इंडिया। दिस टैक्टिस ऑफ द पीपुल लिबरेशन आर्मी की पुरानी टैक्टिस है और हम अपना चीज खो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने पेश किया गया है, तो ये सच है।